बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आज की वीडियो में भी जिक्र कर लेंगे जो पाकिस्तान में वीज़ों का इशू चल रहा है। आपको पता है वीज़े ई नंबर वीज़ों का नहीं निकल रहा है, अगर किसी का निकल रहा है वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भाइयों के हो भी रहे हैं, यकीन कीजिए। आज ही एक बंदा मेरे राब्ते में आया, शायद एक आध मैं वीडियो उनकी दिखा रहा हूँ आपको। जब वो माशाल्लाह सऊदीया में पहुँचे जी, वीज़ा उनका स्टैंप हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबूत प्रूफ आपके सामने है। और इन्होंने मुझसे रब्ता किया, शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मेरे से जो भी इन्होंने काम करवाया अपना, वो तो जाहिर सी बात है कुछ बातें फिर हम नहीं शेयर करते। तो बहरहाल जी ये अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए और भाई साहब का आज मेरे साथ बातचीत हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो होगी भाई बात कि सऊदी अरबिया वीज़े ओपन भी हैं, 100% बंद नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ ई नंबर ने कुछ के नहीं कर रहे हैं, कुछ के वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल ये भी रियल है जी। बंदों के 4-4 महीने हो गए हैं। इनमें ज़्यादातर साइक़ खास, अमल मंजरी, हारिस, आमला मंजरी या इसी से रिलेटेड कुछ महीने आते हैं जिनका इशू चल रहा है। विजिटर वीज़ा में भी इशू चल रहा है जी। ये तो उनको तो बिल्कुल मुश्किल का सामना है जी। और कल वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं तो अपील ही कर सकता हूँ यार, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, इस मसले के ऊपर। पाकिस्तानी और गरीब आवाम के 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए लगे हुए हैं यार। तो लीगल काम के थ्रू जा रहे हैं, वो कौन सा भाई बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे इलीगल, जो ऐसा कोई मसला चल रहा है। लीगल तरीके से वीज़े लिए, लीगल तरीके से सफ़र करना है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और उसमें भी भाई पैसे फंसे हुए हैं, काम हो नहीं रहा है। तो बहरहाल ये भाई साहब का मैंने आपको कुछ दिन पहले इनका बताया था। इनका कहना था जी आज़ाद वीज़ा, यानी कि इनका वीज़ा था आमल, तहवील व तंजील, ठीक है। इनका माशाल्लाह ई नंबर निकला। ये मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने भाई फिंगर करवाने जा रहा हूँ। मैंने इनके मतलब आपको बताया था कि ये आज से तकरीबन 1.5 साल पुराना मुझे जानते हैं, शायद इससे भी पहले, और बनी माल में रह चुके हैं पहले और वहाँ से मुझे कमेंट वगैरह भी करते थे। अच्छा, बात ये पाकिस्तान में थे, अभी इन्होंने वीज़ा दोबारा से लिया है। उस टाइम मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इनका ई नंबर निकला, ये वीज़ा फिंगर करवाने जा रहे हैं। अभी इन्होंने फिंगर करवा लिए हैं और यहाँ पर आपको एक आदमी चीज़ शायद दिखा भी रहा हूँ, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जी बिल्कुल आज़ाद वीज़ा के लिए फिंगर ओपन है, मैं खुद दे कर आया हूँ, ठीक है। नंबर 2, आज़ाद वीज़ा लिया है, मेरा महीना आमल, तंजील व तहमील है, ठीक है। ये तो होगी। ये भाई इनसे पूछ रहे थे मुझसे हटकर वह मेरे जो वीडियोस थी ना उसके नीचे कमेंट वगैरह करके, तो ये उन्हीं को रिप्लाई कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने मुझे एक चीज़ मैसेज और किया जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप खुद से भी पढ़ लें। और दरअसल ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि यार वो तमाम भाई जो दुखी हुए पड़े हैं लाखों रुपया लगाकर, उनको तसल्ली देनी होती है। बाकी यकीन कीजिए मैं ये बात एक हल्फन बयान करता हूँ, झूठ वाली बात नहीं है इसमें। वो ये कि भाई गारंटी के मुतल्लक आपको आपका एजेंट बोल दे, मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई और बंदा बोल रहा है कि आपको गारंटी दे रहा है जी इस डेट तक आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा या ई नंबर निकल जाएगा, ये झूठ है, ये कन्फर्म बात है। इसमें भाई डाउट चल रहा है, कुछ के निकल रहे हैं, कुछ के रुके हुए हैं, कुछ के क्या सीन चल रहा है। आपके साथ मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र करता भी रहता हूँ। अच्छा, इन्होंने लिखा है इरफान भाई मेरे दोस्त का आमल, तहमील व तंजील वीज़ा लग गया है, वो 2 दिन पहले, और मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया है वीज़ा लगने के लिए। यानी कि मेरे एक दोस्त का भी वीज़ा था इसी महीने का, उनका वीज़ा स्टैंप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपना वीज़ा भेज दिया है लगने के लिए, स्टैंप होने के लिए। इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन इनका भी वीज़ा स्टैंप होके आ जाएगा। ये भी सफ़र करेंगे, जब सफ़र करेंगे आपको वहाँ से भी, यानी कि फिर भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो वीज़ा स्टैंप हो रखे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वीज़ा स्टैंप ही नहीं हो रखे हैं यार, हमारे पैसे तो ज़ाया नहीं हो जाएंगे, ऐसा सीन नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला तमाम भाइयों के वीज़े स्टैंप होंगे, ई नंबर निकलेंगे। हाँ, कुछ दिन इसमें तखीर हो सकती है, उसके लिए भाई मैं अभी क्या बोल सकता हूँ आपको कि मैं खुद से तो माजरत करने से रहा। बाकायदा मैं बोलता हूँ कि एम्बेसी को इस चीज़ की माजरत करनी चाहिए तमाम परदेसियों से।